पढ़ने पे ध्यान दे, तो हमेशा चिल्ला क्यों रहा है, ऐसे सीटी मार रहा है। पढ़ने पे भी ध्यान दे, आगे बढ़। पूरे क्लास को तूने डिस्टर्ब किया कर रहा है, दूसरा नहीं पढ़ रहा है अभी। आज के बाद तूने मस्ती की ना, तुझे मैं प्रिंसिपल के पास भेज दूंगा। सर मैं तो पढ़ रहा हूँ और हर बार आप मेरा ही नाम लेते हैं, बाकी भी तो क्लास शोर कर रही है। बंदा आगे से बहुत बातें कर रहा है। आओ बच्चों, सभी अपना होमवर्क दिखा। ओए पप्पू आ, तू भी अपना होमवर्क दिखा। सर जी मैंने तो काम ही नहीं किया। तो एक बात बोलो तो, हम बात समझ भी नहीं आती क्या? हमेशा तो गलती गलती कर रहा, होमवर्क नहीं कर रहा। चल मैं तुझे प्रिंसिपल के पास लेके चलता हूँ। सर जी इस बार छोड़ दे, अगली बार ऐसा नहीं होगा। आप प्रिंसिपल साहब को ना पता, घर के 100 मसले होते हैं, घर वाले भी सारे काम तो मुझे कहते हैं। मैं घर के काम करूं कि स्कूल के काम करूं? चल तुझे प्रिंसिपल के पास लेके चलता हूँ अभी। सर ये बच्चा है ना, क्लास को हमेशा डिस्टर्ब करता है, होमवर्क नहीं करता, और जो दूसरे बच्चे पढ़ते हैं उनको भी बहकाता रहता है। आज भी होमवर्क नहीं करके आपके पास लेके आया हूँ। अरे होमवर्क क्यों नहीं करता, इधर आजा, मुर्गा बनाता हूँ तुझे, अकल दिखाने में आ जाएगी तुम्हारी। ओ सर जी मारे तो ना, ओ सर जी नहीं करूंगा अगली बार, क्या आपने मार दिया। अकल दिखाने में लाता हूँ तेरी आज। अबे निकल, अब जाके किसी बड़े को लेकर कर, अदरवाइज स्कूल में दाखिल नहीं होना। सर जी यहीं पे मुझे जो आपने कहना है कह ले, घर से ना बुलाए, वहां पे घर में चाचा ने भी मारना है, उन्होंने भी कहना तेरा काम ही है। हर तरफ से शिकायतें ही आती हैं तेरी, मोहल्ले से भी शिकायतें आती हैं, अब स्कूल से आनी शुरू हो गई हैं। और गरीब बच्चों सर ना इस तरह करें। चल निकल यहां से, दफा हो जा। 20 years later। यार मुझे 2 किलो गोश्त दे छोटू। मेरे मास्टर साहब आए हैं, उनके लिए जाके चाय लेकर आ, और साथ खाने को कुछ ले आई। और गोश्त का भी ना 2 किलो की बजाय 5 किलो अच्छा सा रान का गोश्त तैयार करवा। After 30 minutes, छोटू गोश्त तैयार हो गया? जी उस्ताद, गोश्त तैयार है। आपके सर को मैंने चाय खिला दी और कबाब खिला दिया। ले आपने सर का गोश्त। जी जनाब, ये आप अपना गोश्त लें। 5 किलो गोश्त का आपने मुझे 5 किलो गोश्त दे दिया, और चाय पकोड़े और इतनी खिदमत की, क्या वजह है आपने मेरी इतनी खिदमत की? मैं तो बुढ़ा बंदा हूँ, आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं अब वही स्टूडेंट जिसको आपने 20 साल पहले क्लास से निकाला था। अच्छा अच्छा, तू वही है? तेरा ये कारोबार कैसे भरा? सर जी तब आपने मुझे मारा था, उस वक्त तो मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन बाद में मुझे उस चीज का एहसास हुआ कि आपने मेरी भलाई के लिए मुझे मारा था। तो ये तो उस्तादों की कह रहे आप, उनका प्यार, उनकी शफकत है, उनकी दुआएं हैं जिस वजह से हम इस मकाम पर आज पहुंच गए हैं। जब मैं वहां से बाहर गया तो मैंने यजम करके गया था कि मैं आज के बाद कोई किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगा, और आज मैं एक अच्छा कारोबारी बंदा बन गया हूँ सिर्फ और सिर्फ आपकी नसीहत की वजह से। बहुत शुक्रिया सर जी, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम। देखें इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, हमेशा अपने उस्ताद और वालदैन की हर बात की कदर करनी चाहिए। जो लोग अपने उस्ताद और वालदैन की बात को अपनी ज़िंदगी में लेकर के साथ चलते हैं, वो हमेशा कामयाब रहते हैं, और जो भी उस्ताद की बात हो उसको हमेशा अपनाना चाहिए।